अगर आप भी मेरी तरह ही आलू भुजिया को बहुत पसंद करते हो तो आपके दिमाग में भी ये सवाल आया ही होगा कि क्या सच्ची में आलू भुजिया आलू से बनती है। तो जी हाँ, ये आलू भुजिया आलू से ही बनती है। 5 रुपए की 20 ग्राम आलू भुजिया, इसके अंदर के सारे कैलोरीफिक वैल्यूज आपने तो देख ही लिए होंगे, नहीं देखे तो वीडियो पॉज करके देखिए। जैसे ही आलू भुजिया मैंने खोला, वैसे ही मेरे मुंह, नाक और सब जगह पे आलू भुजिया की सुगंध फैल गई। भाई इतना मज़ा मुझे कभी नहीं आया। तो ये आलू भुजिया को निकाल देता हूँ मैं एक मस्त सी प्लेट में, और आपको बताता हूँ कि ये आलू भुजिया मुझे इतनी ज़्यादा क्यों पसंद है। ये आलू भुजिया देख के मुझे ऐसा लगता है कि मैं भुज में ही चले जाऊँ रन ऑफ कच्छ देखने। तो फिर ये देखिए, ये है आलू भुजिया जो कि फोकस में नहीं है, लेकिन थोड़े ही समय बाद वो फिर फोकस में आ गई है। क्लोजअप में मैं आपको आलू भुजिया बता रहा हूँ। अरे अरे अरे, वो क्या है, वो क्या है, अरे वो है क्या, अरे वो जो काला कलर का कुछ तो दिखा ना अभी, वो क्या था? ओ माय गॉड, आलू भुजिया में ये एक काली भुजिया है। इस भुजिया का करेंगे अब हम निरीक्षण। ये भुजिया है तो है क्या? अब ये भुजिया को हमने हाथ में लिया है, बस ये नॉर्मल सी आलू भुजिया है भाई, इसमें कोई तकलीफ नहीं है खाने में। इसको खाने के बाद टेस्ट भी सेम आती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जल चुकी है। आलू भुजिया जलने के बाद काली हो जाती है। नॉर्मल आलू भुजिया कुछ ऐसी दिखती है, येल्लो या ऑरेंज, जो भी कलर आपको वो दिख रहा है उस कलर की। तो आलू भुजिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक और काली भुजिया उसमें से निकली, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं क्योंकि टेस्ट बढ़िया ही है उसकी भी। उस काली भुजिया को खा के भी कुछ अलग नहीं लगा मुझे। लेकिन आलू भुजिया में बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन ऑयल तो है ही भाई। और आलू भुजिया खाने के बाद मेरे पेट के साथ थोड़ी सी गैस वाली प्रॉब्लम हो जाती है।